बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एयर कमोडोर अजहर अली साहब मौजूद हैं, इदरीस गिगी साहब मौजूद हैं जो एयरफोर्स का इंस्ट्रक्शन ड्राइव उसको देख रहे हैं, इरफान और हम सब लोग मौजूद हैं। मैं एक दफा फिर एलियानी कराची एलियानी पाकिस्तान की तरफ से एयर कमोडोर साहब को पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। जेडीसी ने इंतहाई सेफ सिक्योर जो 25,000 बोरे राशन दिया था इनको, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तकसीम मुकम्मल बेहतरीन तरीके से पूरी हो चुकी है। तमाम राशन प्लास्टिक के बैग में पैक थे, बारिश को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए थे। अब जो ये जगह आप देख रहे हैं परेड ग्राउंड जिसको बोला जाता है, इस पूरे परेड ग्राउंड के अंदर यहाँ राशन की पैकिंग शुरू होने जा रही है और ये राशन ग्राउंड भी इंशाल्लाह 25,000 या 50,000 जितने बोरे भी यहाँ उतरेंगे इसको उतार के रिकॉर्ड पैकिंग की जाएगी और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कल से आटा उतरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम सिंध रेंजर्स के साथ भी हम ड्राइव कर रहे हैं और वहां पर जो है वो 50,000 बोरों की ड्राइव है, वो भी हम जगह देख रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि भाई इस वक्त लोग मुसीबत में है, उन तक हम ये सब चीजें पहुंचाएं। बड़े बड़े बैंक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ जो राशन पैक होगा वो जेडीसी और अदील मलिक साहब और जो हमारे कंट्री हेड है बैरियर टाउन के जनाब शाहिद कुरैशी साहब, हम सब लोग मिलकर कर रहे होंगे और एयरफोर्स उसको पूरा उसी तरीके से जैसे अभी एक चीज का उन्होंने रिकॉर्ड दिया है कि ये ट्रक इस बेस से चढ़ा, वहां C-130 ने उतारा, इतने किलोमीटर चला, यहां तक पहुंचा और इतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। सर अजहर अली साहब क्या मैसेज देंगे सर देखने वाले? जफर, मैं सबसे पहले तो जेडीसी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं ये समझता हूं कि इसका अजर आपको अल्लाह ही की तरफ से मिलेगा और जो आपकी तरफ से सपोर्ट मिली है और पाकिस्तान एयरफोर्स सिंध के तकरीबन हर इलाके में पहुंच के हमने ये वाला सारा सामान आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप क्योंकि जो क्लेमिटी है वो बहुत बड़ी है, सैलाब बहुत ज़्यादा बहुत बड़े एरिया में आया हुआ है और इसके लिए हमें अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, तो जिसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने जफर आपको ये वाली सारी जगह प्रोवाइड की है कि आप अपने वॉलंटियर्स को लाएं, अपने डोनर्स को लाएं और यहाँ पे उसी तरीके से मज़ीद राशन बैग्स बनाए जाएं, मेडिसिन इकट्ठी की जाएं और दूसरी चीज़ें लाई जाएं ताकि वो अफेक्टेड लोगों तक पहुँच सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आगे भी इन फ्यूचर ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये कोऑपरेशन रखें ताकि ये वाला काम हो सके। और मैं ये आपको एक सर्टिफिकेट भी देना चाहता हूँ जो कि आपकी जो लास्ट टाइम के 25,000 राशन बैग्स हैं ये उनकी बेसिकली रिसीविंग है और हमने इसके अंदर आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया है, शुक्रिया कि आपकी और आपके लोगों ने जो काम किया है वो उसको कंटिन्यू रखें। इस वक्त आप जैसे लोगों की इस मुल्क को बड़ी जरूरत। सर हम लोग इसको रखेंगे इंशाल्लाह। मैं देखने वाले लोगों को बता दूं कि अदील मलिक साहब जो हमारे साथ इसमें शामिल है इस वक्त उनको मलेरिया हो गया है और शदीद बीमार है और हमारे एक और रजाकार कैसर साहब इस वक्त वेंट पे आ गए हैं, जवान लड़का है डेंगू की वजह से। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि अगर किसी के पास मच्छर के स्प्रे की मशीनें हैं 100-200 हमें दे दें, हम पूरे कराची में स्प्रे करना चाहते हैं, अंदरूनी सिंध स्प्रे करना चाहते हैं, सबसे पहले कराची में करना चाहते हैं। सो अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग इमरजेंसी के बाहर पड़े हुए, किसी के पास भी है, केएमसी के पास है, डीएमसी के पास है, जितनी मशीनें हमें दे दें उसकी मशीन के अंदर का स्प्रे हम डालेंगे, सुजुकियां हम लेंगे रेंट पर, पूरे कराची में स्प्रे करेंगे, लोग डेंगू से मर रहे हैं। ये बात कैसे आपको पता? इदरीस गिगी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कराची के वो तमाम बच्चे एनईडी के हों, आईबीए के हों, कराची यूनिवर्सिटी के हों, जैबिस्ट के हों, लम्स के हों, पैरिया के हों, कहीं के भी बच्चे हों, किसी भी जामे के बच्चे हों, 3 दिन बाद से यहां पर ड्राइव में आए, हिस्सा लें। दिन में गर्मी होती है, आप रात में आए, पैकिंग में हिस्सा लें। हम पैकिंग मजदूरों से करवा रहे हैं पीएफ म्यूजियम के अंदर, लेकिन आप अपना हिस्सा इसलिए लें कल कयामत को आप परवरदिगार आलम को बता सकें जब हमारा पूरा सूबा सिंध, हमारा बेशतर इलाका बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब डूब गया था। बच्चे अब इस नौयत में आ गए, छोटे बच्चे, एक उल्टी और एक खांसी आ रही है और मर रहे हैं। मैं आपको फिगर बताऊं आप यकीन नहीं करेंगे। आगे बढ़े, अपना हिस्सा डालें, हमारे लोग मुसीबत में। मुझे हैरत हो रही है शहर से इमदादी कैंप क्यों हटा दिए गए, क्या आफत खत्म हो गई है? आगे बढ़े। एक बार फिर एयरफोर्स का शुक्रिया सर आपका, इदरीस भाई आप लोगों का शुक्रिया और इनकी टीम ने कमाल काम किया और हम इनके साथ भी मिलकर कर रहे हैं और जिस इदारे से मुमकिन होगा हम काम कर रहे हैं। अभी तकरीबन 3 ट्रक खेमे जो हैं हम पाकिस्तान आर्मी के पास भी रवाना कर रहे हैं और भी हमने खेमों के ऑर्डर दिए हैं। 45,000 मच्छरदानियां कल हमारे पास मुकम्मल हो जाएंगी, जिसको चाहिए हमसे लें। हम और भी 1.5 से 2 लाख मच्छरदानियों का ऑर्डर कर रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं। जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सब जरूरतमंदों तक पहुंचता रहेगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।